Okay, so first of all, let me open Python ideally. Yes, good evening everyone. So from today's onwards, we are going to start, है ना, new chapter that is a Python libraries, है ना. हम लोग सीखेंगे कि हम लोग खुद का अपना library कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना. और हमको पता है हम लोग ने library यूज किया अभी तक, हमने module यूज किया है ना प्रोग्राम में. मॉड्यूल तो हम लोग मैथ्स मॉड्यूल हम लोग यूज किए हैं, रैंडम मॉड्यूल हम लोग यूज किए हैं, और भी बहुत सारे हम लोगों ने मॉड्यूल यूज किया है, ठीक है. तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग खुद का मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं. बट ये सारा चीज सीखने से पहले बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में, है ना. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. और क्योंकि इसका मैंने पीपीटी बना नहीं रखा है तो मुझे नोटपैड में टाइप करना होगा, है ना. तो आप लोग नोट्स बनाते चलोगे या जैसे हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में बना लोगे बढ़िया से, ठीक है. तो चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे सर एसक्यूएल इज इन, नो एसक्यूएल इज नॉट इन फर्स्ट टर्म. एसक्यूएल आपका जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, ठीक है. आप देख लीजिए बढ़िया से ऑडिबल है, नोटपैड दिख रहा सबको, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, नो इशू, है ना. सब चीज क्लियर है एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम. देख लो वीडियो बढ़िया से एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ओके, चैट बॉक्स भी ओपन है, ऑडिबल भी है, परफेक्ट है. चलो हाँ या व्हाट सेइंग, ओके सर, ओके ओके, चलो ओके ओके. चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथन लाइब्रेरी का. और पाइथन लाइब्रेरी क्या होता है, अगर आपसे पूछूं कि पाइथन लाइब्रेरीज क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा, लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरीज आपका आंसर क्या होना चाहिए, है ना. व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन लाइब्रेरीज. अगर नॉर्मली बात करें, आपके आपने अपने स्कूल में लाइब्रेरी देखा है और मैं पूछूं कि उस लाइब्रेरी से आप क्या समझते हो, तो आप यही बोलोगे कि सर उस लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक रखा हुआ होता है, ठीक है ना. आपको वहां पे मैथ्स का बुक मिलता है, सीएस का बुक मिलता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बहुत सारे बुक मिल जाते हैं, है ना. हाँ, ये आज का ये न्यू चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. नीरज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, वेरी गुड. तो मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मली आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है, मैं पूछूं कि वो उस लाइब्रेरी के बारे में आप क्या बोलना चाहो, तो आप बोलोगे सर लाइब्रेरी जस्ट लाइक मतलब एक है सर, रूम है, स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, लाइक मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस का बुक हमें मिल जाता है, ठीक है. और हर बुक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि कंप्यूटर के बुक में आपको कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिजिक्स में फिजिक्स का मिलेगा, मैथ्स में मैथ्स का मिलेगा, है ना. और इस टाइप से मतलब वहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए होते हैं. और आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेल्फ भी होते हैं, इवन के स्टैंडर्ड वाइज भी सेल्फ होता है. क्लास 9 का एक साइड हो गया, 10th का, 11th का, है ना, अब 12th का, 12th में भी कैटेगराइजेशन होता है कि फिजिक्स का एक सेल्फ हुआ, मैथ का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, कंप्यूटर का हुआ, ठीक है ना. तो वैसे ही जैसे कि अगर मैं पूछूंगा कि आपको आपके स्कूल के लाइब्रेरी के बारे में पूछे तो आप बोलोगे सर कलेक्शन ऑफ बुक बोलोगे, तो वैसे ही यहाँ पे लाइब्रेरी क्या होता है, ये होता है बड़ा कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होता है. क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होता है. लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आप पाइथन को बोलोगे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अब मॉड्यूल क्या होता है ना, मॉड्यूल क्या होता है. तो मॉड्यूल के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना. मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन और बेसिकली फंक्शन होता है. हम लोगों ने क्लास 12 में बेसिकली फंक्शन और वेरिएबल के बारे में पढ़ा है. तो वेरिएबल तो जनरली यूजर डिफाइंड होता है, हम लोग खुद से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल वेरिएबल भी होते हैं जो पाइथन रिजर्व करके रखता है और उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कि पाई, पाई नाम का एक वेरिएबल होता है ना, जो कि पाई का वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना. तो और क्लासेस अभी हम लोग पढ़े नहीं, हो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बट आप बेसिकली बस जानो कि मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल. आप चाहो तो क्लासेस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें के अंदर क्लासेस भी होते हैं, क्लास भी होता है ना. हालांकि क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने दिया नहीं और हमारे सिलेबस में है भी नहीं, मैं पढ़ना भी नहीं है, ठीक है. तो आप समझ चुके हो कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी जो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होता है, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, और मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस. यानी एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा बेटा क्या होता है, फंक्शन होता है ना. तो आप सोचो एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा फंक्शन और एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल, यानी सोचो पाइथन को इजी क्यों कहा जाता है. यही वजह है कि इसलिए पाइथन को इजी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज पाइथन हैज लार्ज
नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है ना, पाइथन के पास बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इट हैज ह्यूज लाइब्रेरी है ना गेटिंग। तो यही वजह है कि इसलिए पाइथन को इजी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कोडिंग करने का जरूरत नहीं है यार। अभी तो हम लोग को प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना और हमारा जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करने के लिए पढ़ाता है ना, तो फिर शायद मैं ऐसे आपको नहीं पढ़ाता, मैं कोई आपको एक लाइब्रेरी पे फोकस कराता, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लाइब्रेरी बताता। लाइब्रेरी बताने से क्या होता, आपको बहुत सारा आपको मॉड्यूल के बारे में पता चलता जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को स्टोर करके रखता है, और बस उस फंक्शन से हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे है ना। हमें अपना खुद का फंक्शन नहीं बनाना है, हमें खुद का कोडिंग करना नहीं, बहुत लेस कोडिंग करना, बस फंक्शन यूज करते चलो हमारा काम हो गया है ना। तो ये फायदा मिलता है, ठीक है। तो पाइथन ने तो हमें बहुत सारा मॉड्यूल दे रखा है, बहुत सारा लाइब्रेरी दे रखा, बट है ना अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल ऑन पैकेजेस है ना, अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर उससे आपका काम ना चले तो आप अपना खुद का भी बना सकते हो। तो वही सारा चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में है ना। बट उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि लाइब्रेरीज क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग लिख ले लाइब्रेरी के बारे में भैया, कि लाइब्रेरी क्या होता है ना। तो लाइब्रेरी को आप बोल सकते हो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ना, शुड बी डिवाइडेड। सबसे पहले तो लाइब्रेरी बोले कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बोल। देखो यहाँ पे तीन चीज, एक और चीज मैं मिस कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी बता ही देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पैकेजेस नाम का भी चीज होता है बेटा, ठीक है ना। जनरली पैकेजेस लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड पैकेजेस पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कुछ ऐसा है ना, समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेज, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया लाइब्रेरी का जरूरत क्यों पड़ता है, व्हाई वी नीड लाइब्रेरी, बिकॉज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू फंक्शन, ताकि आप बड़ा से बड़ा प्रोग्राम को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड को है ना फंक्शन में डिवाइड कर सको, ठीक है ना। ये इसलिए हम लोग को लाइब्रेरी का जरूरत पड़ता है ना। और फंक्शन आपको पता है कितना ईजी है, बस यार एक बार फंक्शन को कॉल करो और अपना काम कर लो है ना, ये हमें फायदा मिल जाता है फंक्शन से। चलो एनी बेस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए है ना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग मॉड्यूल का ही डेफिनेशन जानते हैं, क्योंकि मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और इससे हम लोग अवेयर है, इसको अभी तक हम लोग यूज करते आए हुए हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल का डेफिनेशन आप बता दो क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया व्हाट इज अ मॉड्यूल, हाउ कैन यू डिफाइन मॉड्यूल, आप अपने अनुसार डिफाइन कर लो यार है ना। तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज अ सिंपल सा डेफिनेशन देते हैं, मॉड्यूल इज अ क्या लिख लो, कलेक्शन, कलेक्शन मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ, या चलो कलेक्शन ऑफ फंक्शन कर देते हैं, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, छोटा डेफिनेशन देंगे, स्मॉल एंड स्वीट डेफिनेशन, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन वेरिएबल्स है ना एंड क्लासेस, मैं कर देता हूँ, चलो सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन है, इतना भी बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। और आपसे जानते हो बायवा में पूछा जाता है ना, जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल, तो बोलोगे द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल इज डॉट पी वाई। हमारे पाइथन प्रोग्राम का कीवर्ड्स भी होता है क्या, कीवर्ड्स भी, जी हाँ सर कीवर्ड्स भी होता है ना, आप इसके अंदर कीवर्ड्स भी रख सकते हो है ना, ठीक है। कीवर्ड्स एक्चुअली जो है ना वो इफ एल्स ये सारे चीजें जो होते हैं ना वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप अपना जो बनाओगे उसके अंदर कीवर्ड्स नहीं आएगा, लेकिन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, अच्छा ट्रिपल कोट्स वगैरह उसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं है ना, उससे हम लोग बस, अच्छा ठीक है चलो बाय मिस्टेक आ गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, मैसेज बाय मिस्टेक था और मैंने उसका भी प्रोग्रामिंग में मतलब निकाल लिया था, ट्रिपल कोर्स वगैरह था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन वेरिएबल एंड क्लासेस होते हैं, ठीक है। और आप क्या बोलोगे एग्जामिनर को है ना, कि द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल इज, द एक्सटेंशन, किसी को भी कोई भी पूछे तो द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल इज डॉट पी वाई, क्या होता है डॉट पी वाई होता है, ठीक है, डेट्स इट एवरीबॉडी।
ये पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, ये मॉड्यूल का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया पैकेज क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो अब पैकेज को क्या बोल सकते हो, ये क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर एवरीबॉडी, है ना। तो आप बोल सकते हो इट इज अ फोल्डर, है ना, इट इज अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल होता है। इट इज अ फोल्डर, है ना, इट इज अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, इट इज अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल एवरीबॉडी, है ना, इट इज अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। इसको डायरेक्टरी भी हम लोग कहते हैं फोल्डर को, ठीक है। आप डायरेक्टरी भी लिख सकते हो, कहीं कहीं डायरेक्टरी लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो फोल्डर बताए थे, डायरेक्टरी लिखा हुआ है ना। सो इट इज अ डायरेक्टरी स्लैश फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, यानी जो हमारा मॉड्यूल होगा एक पैकेज के अंदर, पैकेज इज जस्ट लाइक अ डायरेक्टरी एंड नथिंग एल्स, इट इज अ फोल्डर एवरीबॉडी, और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल रखा हुआ है ना, उसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल रखा हुआ है। लेकिन मॉड्यूल क्या, मॉड्यूल इज अ फाइल, डोंट कंफ्यूज। आपसे बोले मॉड्यूल और पैकेज में अंतर बताओ जी, तो आप बोले सर पैकेज तो फोल्डर है, फोल्डर, पैकेज इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, वहां पे कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना। पैकेज इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ओके। लाइब्रेरी इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ कंटेनर, लाइब्रेरी इज अ कंटेनर, दैट इज अ फोल्डर, दैट इज अ डायरेक्टरी। पैकेज इज ऑल्सो अ वॉट, कंटेनर, जस्ट लाइक अ कंटेनर, जहां पे बहुत सारे मॉड्यूल रखे हुए और एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है ना। या सो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज एवरीबॉडी पैकेज, सो इट इज अ डायरेक्टरी और फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। और बोलोगे आप पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, क्या बोलोगे आप, पैकेज, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, आप बोलोगे पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, ठीक है। क्या बोलोगे आप, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स, यहाँ पे ये भी चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लिखोगे डैट, डैट क्या लिखोगे, वर्क टूगेदर, डैट वर्क टूगेदर, डैट वर्क टूगेदर, है ना, डैट वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, डैट वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड, या सर्टेन कर देते हैं, डैट वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड सर्टेन फंक्शनैलिटी, यही तो डेफिनेशन है फंक्शन का जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो एवरीबॉडी ऑफ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सर्टेन फंक्शनैलिटी, एक जैसे कि कंप्यूटर बुक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन देगा कंप्यूटर रिगार्डिंग, है ना बेटा, फिजिक्स में फिजिक्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वैसे ही क्या होता है ना, है ना, ये पैकेज सॉरी मॉड्यूल क्या होता है ना, मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूल भी कुछ वैसे ही होता है जैसे मैथ मॉड्यूल, केवल मैथ का फंक्शन मिलेगा भैया, केवल और केवल मैथ का फंक्शन मिलेगा, है ना, ठीक है। तो उसी टाइप के बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, है ना। अब जैसे आपने रैंडम वॉल्यूम मॉड्यूल जानते हो तो आप रैंडम रिलेटेड फंक्शन मिलेगा जो कि रैंडम नंबर जनरेट करने में आपको मदद करता है, ये चीज होता है। अब आओ लाइब्रेरी के डेफिनेशन, लाइब्रेरी का डेफिनेशन में अब आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस बोल सकते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस, एवरीबॉडी बोलो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस। और मैं बता दूं जनरली टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है लाइब्रेरी और पैकेज में, अदरवाइज लाइब्रेरी और पैकेज सेम ही चीज है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस बोलिए, दैट्स इट एवरीबॉडी, ठीक है ना। या आप बोलो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल भी बोलो तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब फंक्शन बच गया, भले ही हम लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ फंक्शन के बारे में, तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फंक्शन को क्या बोलोगे, है ना, फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, फंक्शन हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन, क्या बोल रहे, है ना, अ सेट ऑफ बोल सकते हो, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, या बोल सकते हो इट इज अ मीनिंग प्रोग्राम, है ना। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फंक्शन फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इट इज अ और भी बोल सकते हो, इट इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम,
ठीक है, प्रोग्राम, इट इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अब बड़े एक सेकंड, प्रोग्राम को नीचे लिखते हैं, इट इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, आप इसको मिनी प्रोग्राम भी बोल सकते हो, छोटा सा प्रोग्राम, इट इज अ मिनी प्रोग्राम। एवरीबॉडी, इट इज अ मिनी प्रोग्राम, इट इज अ मिनी प्रोग्राम, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे इसको क्या सकते हो। ठीक है सर, ये हमारा था इंट्रोडक्शन अबाउट लाइब्रेरी मॉड्यूल पैकेजेस एंड फंक्शन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दें हम यहाँ पे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं किसका, फंक्शन का, तो आप पढ़ चुके फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, तो एग्जाम्पल में हम लोग, आप यहाँ पे रख लो एस क्यू आर टी रख लो, आपने खुद का अगर यूजर डिफाइंड बनाया तो कुछ भी हो सकता है, एस क्यू आर टी हो गया, पॉ हो गया, बहुत सारा फंक्शन होता है ना, लेन फंक्शन आपने पढ़ा, ये सब चीजें होती है, टीटीसी एवरीबॉडी। ठीक है, लाइब्रेरी का बात करें तो हम लोग जानते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर, है ना, तो हम लोग जानते हैं टी किंटर, नाम सुने हो टी किंटर का, साई पाई नाम सुने हो साई पाई का, पांडा लाइब्रेरी, एवरीबॉडी नाम सुने हो पांडा लाइब्रेरी। ठीक है, और बताइए, है ना, नम पाई नाम सुने हो नम पाई, ईटीसी एवरीबॉडी, ईटीसी। ठीक है ना, अगर ठीक है, पैकेज तो जस्ट लाइक कौन क्लास छोड़ दिया भाई, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को परमानेंटली मॉड्यूल में ऐड कर सकते हैं। जी सर नीरज, कर सकते हो परमानेंटली, है ना, सारा चीज बताया जाएगा। हु हैज लेफ्ट द क्लास, लेट मी चेक, वी हैव प्रीति, प्रज्ञा, ऋषभ, शीतल, श्वेता, सुमित और सुमित वर्मा, नीरज, आज बहुत सारे बच्चे नहीं है ना, कौन कौन एबसेंट है बेसिकली पता भी नहीं चल रहा। संजना इज नॉट हेयर, संजना इज नॉट हेयर, संजना नहीं है, अच्छा वो एबसेंट, और कौन एबसेंट है भाई, रिया भी एबसेंट है क्या, हाँ रिया भी एबसेंट है ना, अच्छा रुक जाओ, ये लोग को मैसेज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग कोई फ्रेंड है रिया, और रिया पढ़ने वाली बच्ची है, ठीक है, संजना भी, अगर आप लोग में से कोई फ्रेंड है तो एक बार मैसेज कर दो, आ जाएगी, नया चैप्टर शुरू किए हैं, और नहीं तो अब चलो हम मूड में है पढ़ाने का, तो अब हम वो लोग मैसेज नहीं करने जाएंगे। चलो शायद मे भी लेट से लिंक सेंड किए तो वो लोग का ध्यान नहीं गया होगा। अब देखो मैं एक बार और थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वैसे तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अब लाइब्रेरी पैकेज को आप कैसे समझोगे। देखो लाइब्रेरी सबसे टॉप लेवल पे होता है, ठीक है, लाइब्रेरी यहाँ पे, ये हमारा लाइब्रेरी, ठीक है, थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग कुछ ऐसा ही है, वो ज्यादा मेरा जो कमांड है ना, वो जो एपिक पेन है उसी पे है, ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरी हुआ और उसको मैंने ओपन किया नहीं है। चलो अब लाइब्रेरी के, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा पैकेज हो सकता है बेटा, जैसे मान लो मैं शॉर्ट में लिखूंगा पैकेज वन, एक पैकेज हो गया हमारा, दूसरा पैकेज हो गया हमारा यहाँ पे, है ना, पैकेज, पैकेज नंबर टू, तो दिस इज अ फोल्डर, ये आप कह सकते हो लाइब्रेरी मेरा मेन फोल्डर हुआ, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है सब फोल्डर, दिस इज द सब फोल्डर, सॉरी दिस इज द पैकेज टू एवरीबॉडी, एक और मेरे पास सर पैकेज है, दैट इज द एवरीबॉडी पैकेज थ्री, ठीक है, दिस इज द पैकेज थ्री, तो आप समझ सकते हो ये वाला लाइन को मैं बता रहा हूँ, ये सारे का सारा पैकेज है, ये हमारा लाइब्रेरी, ये क्या है सर, लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, और हर पैकेज के अंदर बहुत सारा मॉड्यूल हो सकता है, इसके अंदर एक पैकेज के अंदर हो सकता है मॉड्यूल, बहुत सारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल वन, ये हमारा मॉड्यूल वन है, यहाँ पे मॉड्यूल टू, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, इस पैकेज के अंदर हमारे पास टोटल थ्री मॉड्यूल है ना, नेम कुछ भी रख सकते हैं मॉड्यूल का, मैंने मॉड्यूल थ्री कर दिया, मॉड्यूल फोर कर दिया, ठीक है, और मॉड्यूल फाइव कर दिया, ठीक है, हो सकता है इस पैकेज के अंदर भी हमारे पास और बहुत सारे मॉड्यूल्स है, इससे भी ज्यादा मॉड्यूल है का कलेक्शन है, और आपको पता है हर मॉड्यूल के अंदर आपको है ना वन सिमिलर टाइप का फंक्शन मिलेगा, जैसा मान लो ये मैथ का मॉड्यूल है तो मैथ रिलेटेड वर्क करने के लिए आपको बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट है हमारा लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है ना, होप सो आप लोग समझ रहे होगे बहुत अच्छे से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत आ रही है एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो जनरली, एक क्वेश्चन जो
हम लॉग आउट हो गए थे। कैसे लॉग आउट हो गए थे? समझ जाओगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है? तो जनरली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बाकी तो वीडियो है ही थोड़ा सा, लेकिन आप लोग जो है ध्यान दीजिए यहीं पे, है ना, वीडियो के चक्कर में थोड़ा कमी रहोगे, है ना, क्योंकि हम टाइम पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। नेट खत्म हो गया था क्या? अच्छा चलिए, अब देखिए कोई बात नहीं, अभी तक कुछ खास पढ़ाए नहीं, ठीक है ना, उसी का बस थोड़ा ज्यादा ही हम एडवांस इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में क्या अंतर, बताइए। आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल, तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके पास जवाब है? चैट बॉक्स ओपन है, आप बताइए स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में क्या अंतर। स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में क्या अंतर पूछा जाता है? स्क्रिप्ट वर्सेस मॉड्यूल, ठीक है, अभी इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। स्क्रिप्ट जानते हो, पाइथन स्क्रिप्ट, है ना, दिस इज जनरली जो हम लोग भाई कोडिंग वगैरह करते हैं, तो स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल, है ना, स्क्रिप्ट इज अ पाइथन। आप कैसे डिफाइन करो, चलो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आप लिखो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज अ क्या बोल सकते हो, पाइथन फाइल्स, स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल दैट्स, क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, जी हाँ, स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू बी रन डायरेक्टली, ऐसा लिखते हैं हम लोग, रन डायरेक्टली मीन्स, है ना, स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल, ये बेसिकली पाइथन फाइल होता है, दैट इंटेंडेड टू बी रन डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, गेटिंग एवरीबडी, है ना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मॉड्यूल में क्या होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसा कि सुमित ने बोला, मैसेज भेजा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, जी सर, मॉड्यूल को हम लोग को क्या करना पड़ जाता है, इंपोर्ट करना पड़ जाता है ना। अब मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल्स दैट इंटेंडेड, है ना, टू बी इंपोर्टेड, तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल्स, मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल्स, ऐसा हटाओ, मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल करो, एक ही फाइल होगा यहाँ पे, भी ऐसा हटाओ, मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू बी इंपोर्टेड, ठीक है, इंपोर्टेड इनटू स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं हम लोग, इनटू स्क्रिप्ट्स। आपको अपने पाइथन स्क्रिप्ट्स में क्या करना पड़ता है, इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू बी इंपोर्टेड इनटू स्क्रिप्ट्स और अदर मॉड्यूल्स, लिख दो, और अदर मॉड्यूल्स में भी आपको इंपोर्ट करना पड़ सकता है मॉड्यूल को, ठीक है, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है इस किसका, स्क्रिप्ट और मॉड्यूल का, ठीक है ना, ये कहानी हमारा स्क्रिप्ट और मॉड्यूल का। तो बेसिकली आप यही बोलोगे कि स्क्रिप्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, दोनों में यही अंतर है। जैसे मैथ मॉड्यूल का फंक्शन को यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन है ना स्क्रिप्ट को, जैसे कोई हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वहीं पे उसका वैल्यू देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, नथिंग एल्स, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना पड़ता भाई, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये कुछ कहानी है हमारा, ठीक है ना। अब बताओ क्या इसको एग्जाम्पल देके समझाने का जरूरत है कि सभी समझ रहे हो, क्या इसे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूं, एक कोड लिख करके दिखाऊं, या समझ चुके हो, है ना। जैसे मॉड्यूल क्या हुआ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यही बोलोगे सर कि मॉड्यूल, है ना, इफ यू वांट टू यूज द मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, है ना, वी हैव टू यूज द इंपोर्ट कीवर्ड, है ना, इंपोर्ट लिखेंगे, मैथ करेंगे, अब उसके अंदर जो फंक्शन है उसको हम यूज कर पाए। लेकिन जनरली स्क्रिप्ट अगर हमारे पास है, कोड हमारे पास है, फंक्शन पहले से बना है हमारे पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, है ना, बस हमने वैल्यू पास किया और उसको यूज कर लिया, या फंक्शन को कॉल किए उसको यूज कर लिए, कुछ ऐसा कहानी होता है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो कुछ आगे थ्योरी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप नोट डाउन करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे।
अब थोड़ा एडवांटेजेस का भी बातचीत हो जाए कि क्या कुछ एडवांटेजेस है मॉड्यूल का, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, कुछ एडवांटेज वगैरह है कि नहीं है। सो ऑफ कोर्स देयर इज एडवांटेजेस ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स एवरीबॉडी, है ना। तो सबसे पहला एडवांटेजेस की अगर बात करें, ठीक है, तो पाइथन कोड इन मॉड्यूल इज यूजफुल, बहुत यूजफुल है। व्हाई, है ना, बिकॉज द एबिलिटी टू इंपोर्ट द व्हाट मॉड्यूल फंक्शनैलिटी, है ना। अब मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करने का फंक्शनैलिटी मिलता है, जब अगर आपको जरूरत है तब इंपोर्ट कर लो और उसे काम कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इंपोर्ट करने का। सबसे बड़ा फैसिलिटी तो यही है, सबसे बड़ा फैसिलिटी तो यही है, है ना। आप ऐसे करो, इसको लिखो पुटिंग कोड इन मॉड्यूल्स, पुटिंग कोड इन मॉड्यूल्स इज यूजफुल, ऐसा कर दो, इज यूजफुल, है ना, because of the ability to import the module functionality, ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो पुटिंग कोड इन मॉड्यूल्स इज यूजफुल, है ना, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू इंपोर्ट द मॉड्यूल फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज इसका क्या होगा, बस यही है, है ना, कि इट प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी बोल सकते हो, है ना, द कोड्स कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, है ना। सो इट फैसिलिटेट्स द, है ना, क्या आप यही लाइन बेटर रहेगा, है ना, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी, मुझे ये लाइन अच्छा लग रहा है, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कर देते, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, है ना, या इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी कर द कोड, चलो रहने देते हैं, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब आप कोड को दोबारा फिर से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तीसरा कुछ एडवांटेज भी हम लोग सोचते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, थर्ड एडवांटेज, है ना। थर्ड एडवांटेज आप ये लिख सकते हो कि मॉड्यूल अलाउस अस टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज आर कोड, ठीक है, लॉजिकली आप अपने कोड को बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब पाइथन इतना एडवांटेज लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अ पाइथन मॉड्यूल, है ना, allows us to logically organize our code। आप अपने कोड को लॉजिकली अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग बाय द हेल्प ऑफ मॉड्यूल, है ना, फंक्शन को जहां चाहो वहां रख सकते हो। और इसका क्या एडवांटेजेस होगा, है ना, मॉड्यूल बनाने का क्या फायदा होगा, और भी देखो, सेम टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो सबको एक मॉड्यूल के अंदर डाल देंगे, ये इसका फायदा होगा, ठीक है ना। तो या फिर सेम टाइप के जितने भी चीजें होंगे सबको एक मॉड्यूल के अंदर हमने डाल दिया, बस हमें याद रखना, अच्छा उस मॉड्यूल के अंदर भैया ऐसा है और उसको हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। तो बस यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सिमिलर टाइप्स ऑफ, है ना, फंक्शंस, क्लासेस, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, है ना, कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। और लास्ट एडवांटेज पांच कर ही देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो क्या, इट रिड्यूसेस द
कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, सही चल रहा गलत है? COMPLEXITY, परफेक्ट है ना। सो इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, है ना। अब प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर मॉड्यूल नहीं होता तो, प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाता, कितना लेंथी हो जाता, तो उस चीज को ये सही कर देता है, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ एवरीबडी व्हाट, पाइथन मॉड्यूल। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है, होप सो आप लोग समझ रहे होंगे कि पाइथन मॉड्यूल का क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग जंप करेंगे और हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग ये सीखने वाले हैं हाउ टू इंपोर्ट पाइथन मॉड्यूल, इंपोर्टिंग PYTH और पाइथन मॉड्यूल। हालांकि हमने बहुत बार इसको यूज करके सीख लिया, लेकिन मैं टॉपिक मतलब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉड्यूल के बारे में, तो एक बार बताना तो फर्ज बनता है कि हाउ टू इंपोर्ट पाइथन मॉड्यूल। तो हम लोग अभी सीखने वाले इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल्स, एस कर देते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल सबसे पहला करें, या मैं लिखूंगा नहीं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम लोग करेंगे, और क्या, इंपोर्ट कीवर्ड ही यूज करता ना, यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, है ना। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबडी। तो आइए एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको क्लोज कर दूं क्या मैं, चलो इसको डॉन्ट सेव करते हैं और आ गए हम लोग पाइथन आइडिया लेने। सभी कोई को दिख रहा है सर? अब देखो क्या तरीका है इंपोर्ट की मदद से कैसे करते हैं, सभी कोई का रटा हुआ, सभी जानते हैं इंपोर्ट, मैंने हम लोगों ने ऐसा मैथ लिख देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, है ना, और हमारा काम हो जाता है। एक बार इसे क्लोज करके सबसे पहले मैं फिर से ओपन करूं पाइथन आईडीएलयू को, है ना। एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूं कि बिना अगर मॉड्यूल के इंपोर्ट किए अगर आप फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो क्या कर भी पाते हो या नहीं, कर भी पाते हो या नहीं, ठीक है, उस चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। हाँ, तो आ चुका हमारा, जैसे कि मैं चाहता हूं math.sqrt इस वाले फंक्शन को यूज करना चाहता हूं तो मुझे मिलता है एरर, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड बोलता है ना, नेम मैथ इज बोलता नॉट, sqrt डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं यूज कर पाऊं, तो भी प्रॉब्लम है। क्या मैं इंपोर्ट मैथ लिखूं और उसके बाद अगर math.sqrt, तो ये हमारा सिंटैक्स होता है सर, आप मॉड्यूल का नाम लिखें और डॉट लगा करके मेथड को कॉल कर लें। तो import.sqrt के अंदर मैंने 36 पास किया और मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 36 मिल गया। याद रखो ये जो आपका फंक्शन है sqrt हमेशा आपको जो है डेसिमल में ही आंसर देगा, ठीक है, इस चीज को याद रखो, ये देख, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। अब देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं मैथ डॉट, जैसे मैं लिख दूं क्या math.pow, pow हमारे पास फंक्शन है दिग्विरा pow, और यहां मैं कर दूं 3.2 मतलब 3 to the power 2 भैया, तो ये हमेशा डेसिमल में आंसर देगा, 9.0 आपको मिलेगा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। आप ध्यान से देखेंगे, अब pow मैं यहाँ पे लिखूं क्या 3.2, ध्यान से देखो, डायरेक्टली मैं यूज करना चाहता हूँ, यूज कर सकता हूँ, है ना, और मुझे 9 मिल रहा है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, sqrt को मैं डायरेक्ट यूज करना चाहूं तो नहीं यूज कर सकता, ठीक है, इसके पीछे क्या वजह है। मीटिंग एंड होने वाला है, आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए, ज्यादा नहीं आज एक ही घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत लोग प्रेजेंट भी नहीं, ठीक है, तो सारे चीज को दिमाग में रखते हुए एक घंटा पढ़ाएंगे। देखिए तो हमने अभी तक क्या सीखा, यहां पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया मॉड्यूल इंपोर्ट करने का, बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपको क्या क्या दिखाया है ना, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से आप मॉड्यूल तो आपको इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन है ना, मैंने आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताया था दो फंक्शन के बीच में, थोड़ा स्पीड में ही रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसको भी फिलहाल हटाते हैं। सबसे पहला ये हमने बताया कि जैसे कि मान लो आप चाहते हो, हमारे पास दो pow फंक्शन है, एक math.pow, अब आप रेस्पॉन्ड करो अगर सीख चुके हो तो मैथ मॉड्यूल के अंदर जो pow है ये क्या करता है, आपको एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके देता है ना, ये दो ही आर्गुमेंट पर काम करेगा। अगर आप सिंगल आर्गुमेंट दोगे तो देखो एरर मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है ना। सिंगल आर्गुमेंट दोगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट देने ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3, अगर 2 करें तो ये हमेशा आपको एक्सपोनेंट जो देगा वो डेसिमल फॉर्मेट में देगा बेटा, तो आपको मिलेगा 9.0, ठीक है। अब एक जो इनबिल्ट हमारे पास पो होता है, जो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी इसी चीज को हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, ये भी आपको एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके देगा अगर दो आर्गुमेंट देते हो तो, है ना। लेकिन ये आपको इंटीजर फॉर्मेट में देगा, देखो 9। लेकिन इसका खासियत क्या है ना कि अगर आप इसमें 3 आर्गुमेंट दोगे तो भी ये काम करेगा, इसका काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। और क्या होता है, या हाँ, सबसे पहले ये फर्स्ट 2 आर्गुमेंट को लेकर के एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता है, यानी 3 to the power 2, 9 करेगा, और 9 को 2 से डिवाइड करके ये रिमाइंडर निकाल के दे देता है। तो 9 को 2 से डिवाइड करो तो 2 4 8, 9 - 8 क्या होगा, 1 आएगा, जो कि रिमाइंडर क्या होगा भैया, है ना, 1 आएगा। ऑफ कोर्स रिमाइंडर 1 होगा तो 1 मिलेगा, देख लो 1 मिल रहा, ठीक है। और जब रिमाइंडर देता है तो आप देख रहे हो बेसिकली, है ना, कैसा हमें मिल रहा है ना। एक मिनट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकर के चलते, तो हमेशा ही आपको होल नंबर मिलेगा। तो और एक हम लोग एग्जांपल लिए, 5 का पावर 3 कर दिए, है ना, तो 125 हुआ। 125 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किससे करते हैं, चलो 7 से करते हैं। अब बताओ क्या आंसर मिलेगा, 5, 3, 7। तो 5 to the power 3, 125, 125 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो मिलेगा 6, है ना। कोई दिक्कत है, क्या मिलेगा, 6, है ना। अब कैसे मिलेगा 6, आप लोग देख लो, 5 to the power 3, 125, है ना, और 7 से आप डिवाइड कर रहे हो 125 को, और रिमाइंडर आपको मिल जा रहा है 6, है ना। 7 का टेबल कितनी बार करोगे आप, है ना, 7 into how much, यस टेल मी एवरीबडी, 6 कैसे आ रहा है ना, 125 divided by 7, 17 times, या परफेक्ट। अब देखो 17 into हम लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे तो 119, और 119 में बेटा 6 रिमाइंडर आया ना, 6 ऐड करो तो 125 हो जाएगा। एनीवेज, ये था बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन, है ना, आपका मैथ मॉड्यूल के अंदर जो पॉव फंक्शन है उसमें, और जो इनबिल्ट जिसको कि हम लोग डायरेक्टली पॉव फंक्शन यूज कर सकते हैं उसमें। चलो अब ये काम हो चुका, दूसरा तरीका पर हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, एक और मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि एक ही साथ बहुत सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट मैथ लिखो पहला मॉड्यूल का नाम, फिर दूसरा मॉड्यूल का नाम लिख दो, जैसे कि हमने उस समय तो रैंडम लिख करके दिखाया था। एक और बस आप लोग हेल्प करो, स्टैटिस्टिक्स, इसका स्पेलिंग मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, इसलिए मैं इस मॉड्यूल को जनरली यूज नहीं करता। आप बताइए क्या स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग सही है, मैं इस बार मैं 3 मॉड्यूल्स को एक साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ। एवरीबडी कैन यू टेल मी द स्पेलिंग इज करेक्ट स्टैटिस्टिक का, देख लेते हैं एरर आया तो, और वाह ठीक है, पहली बार मेरा स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग जो एक बार में सही हुआ। अब आइए इसको यूज करके देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरे पास एक मीन नाम का मॉड्यूल होता है, और आपने मीन पढ़ा होगा 5, 6, 7 में बड़ा पढ़ाया जाता मैथ्स में, है ना, कैसे मीन निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो आपको ये भी पता होगा 69, 70 और 71, है ना, इसका मीन क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इसका मीन क्या होगा एक सेकंड के अंदर, 69, 70, 71 का मीन क्या होगा, ठीक है, नहीं पता, क्या बात करते हो यार, आप लोग कैसे पढ़े हो मैथ्स, 70 होगा, है ना। अरे टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, ऐसा क्या हो गया भाई, एक कैसे लेगा, ठीक है, एक क्यों लेगा, ये तो हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या बोल रहा, मीन टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट 3 वर गिवन, ऐसा कैसे भाई, लो फिर से एरर आ गया हमारे पास, int object is not iterable, line 31 in statistics के अंदर तो mean function होता ही, बोल देता है not attribute, statistics का spelling देखो तो सही है क्या, statistics, statistics dot, एक बार spelling देख लो तो सभी कोई सही है statistics का, बढ़िया से, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या, हाँ सही है, mean, देखो मीन फंक्शन तो दिख भी रहा, मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ कि बड़ा आखिर एरर कहाँ है जरा। अच्छा, एक्चुअली मीन फंक्शन के अंदर जो हम लोग, ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, लेकिन जानते हो ये लिस्ट के फॉर्मेट में लेता है, ये हम मैं मिस्टेक कर रहा था, 69, 70
71। सडनली मेरे माइंड में आया है ना, ये क्या लेता है ना, लिस्ट के फॉर्मेट में एक ही आर्गुमेंट, मतलब लिस्ट तो सिंगल ही ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। तो आप लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या करते हो, डेटा पास करते हो। अब एरर नहीं देना चाहिए, देखो 70 आंसर मिल गया है ना, और हम लोग यहाँ पे 3 आर्गुमेंट दे रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा मीन फंक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने तीन तीन मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट किया, आप रैंडम चाहो तो रैंडम भी यूज कर सकते हो। तो रैंडम के अंदर एक रैंडम फंक्शन भी होता है, मालूम है क्या आपको, रैंडम डॉट रैंडम है ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, टेक्स नो आर्गुमेंट बट वन गिवन, वेरी गुड, हमने वन दे दिया एक आर्गुमेंट, तो ये बोलता है कि हम एक भी आर्गुमेंट नहीं लेते हैं, ऐसे ही रैंडम नंबर कैलकुलेट करके देते हैं, तो ये रैंडम नंबर कैलकुलेट करके देगा, ये सही बात है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, ठीक है। गेटिंग एवरीबडी है ना, तो ये सारे चीजों को हम लोग को तो याद रखना पड़ेगा है ना। मीन में जनरली ये भूलने वाला चीज है, आप लोग याद रखोगे, वो लिस्ट लेता है एज अ आर्गुमेंट, एज अ आर्गुमेंट क्या लेगा, लिस्ट लेगा। बोलो अभी तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा। दूसरा मेथड में आते हैं कि हम लोग कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, द सेकंड वे एवरीबडी। तो मैंने बोला बाई यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड, हाँ चलो अब फ्रॉम से आते हैं। तो फ्रॉम अब फ्रॉम हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल का नाम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट यहाँ पे हम लोग इसके अंदर से क्या उठाने वाले थे, जीसीडी है ना। अब देखो चलो यार परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो है ना, फ्रॉम कीवर्ड की मदद से भी क्या कर सकते हो है ना, ऑफकोर्स फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका फायदा क्या मिलता है देखते हैं, 3,2, ठीक है। अब देख लो डायरेक्टली हम लोग फंक्शन को यहाँ पे यूज कर पाते हैं है ना, गेटिंग एवरीबडी है ना, डायरेक्टली हम लोग फंक्शन को यूज कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि अभी तो हमने केवल, और सबसे बड़ी बात की मालूम है, यहाँ पे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही इंपोर्ट किए हैं। अब यहाँ पे कोई बोले कि फैक्टोरियल सर यूज करके दिखाइए, तो अब देखो क्या होगा, फैक्टोरियल जीसीडी मतलब एचसीएफ। अब देखो फैक्टोरियल, कोई बोले मुझे 5 का फैक्टोरियल बताइए सर, विल गेट द एरर, नेम फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट जीसीडी कॉमा व्हाट, एक और क्या फैक्टोरियल, देख लो सही है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट जीसीडी कॉमा फैक्टोरियल, नाउ एवरीबडी नो एरर। अब देखे जरा फैक्टोरियल ऑफ 5 पढ़ चुके हो, 120 होता, क्या जीसीडी भी काम करेगा, एचसीएफ निकाल पाएंगे हम लोग, देख लेते हैं 4,6 निकाल पाएंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ रहे होंगे कि फ्रॉम कीवर्ड की मदद से हम लोग कैसे जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहोगे कुछ और यूज करना, कॉस यूज करना चाहोगे, तो फिर से आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसे तो इंपोर्ट किया नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा, इंपोर्ट कर लेना होगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो सबसे बढ़िया आप क्या करो ना बेटा, फ्रॉम मैथ लिखो और यहाँ इंपोर्ट है ना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, चलो अब मीटिंग एंड करेंगे, बस लास्ट बता देते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट यहाँ पे बेटा कर दोगे स्टार, स्टार मतलब मैथ के अंदर जितना फंक्शन है सारा को आप यूज करिए, कोई लफड़ा सेटिंग नहीं, ठीक है। अब कॉस यूज करिए, कॉस का वैल्यू दे दो 325, कुछ भी दे दो, लो साइन यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लो टैन यूज करिए, करो करो, क्यों नहीं यूज करो, करो करो आराम से करो, लो कोई दिक्कत है सर है ना। तो एस्क्यूआरटी यूज करो, एस्क्यूआरटी यूज करो, लॉग यूज करो, हंसते हंसते यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब यूज करो। तो सबसे बढ़िया लिखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, बहुत आसान है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार काम आसान हो जाएगा, ये सबसे अच्छा। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल कीवर्ड्स का नाम बताओ, टोटल कीवर्ड्स का नाम बताओ, या वो पूछे कि हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन, तो आप बोलोगे अभी बताते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड एवरीबॉडी, इंपोर्ट कीवर्ड
अब यहां पे इंपोर्ट कीवर्ड कर लिया, मॉड्यूल का नाम लिखो के ई वाई डब्ल्यू ओ आर डी, कीवर्ड डॉट यहां पे आपको बस के डब्ल्यू दिख रहा है ना, एल आई एस टी लिखा हुआ है ना, के डब्ल्यू है ना, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू एल आई एस टी, तो ये स्पेशल वेरिएबल है, बस इस वेरिएबल को कॉल करो है ना, और आपको इसके अंदर है ना सारा का सारा कीवर्ड रखा हुआ वो सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो यही सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, आप क्लास 11 से 12 तक अभी तक में ये सारा कीवर्ड्स मुझे लगता पढ़ लिए होगे, शायद ही कुछ कुछ नहीं पढ़े होगे। सबसे पहला देखो फॉल्स है, नन है, ट्रू है ना, और ये आपका पेज पार्सर वाला आप नहीं पढ़े होगे, एंड एज है ना, असर्ट, कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं पढ़े होगे है ना, क्लास कॉन्टिन्यू है ना, डेप शायद ये सब आप नहीं पढ़े होगे। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा, रुको तो एक्स इज इक्वल टू कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू एल आई एस टी है ना, अब जितना भी कीवर्ड होगा एक्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, देखें या एक्स के अंदर स्टोर हो गया। अब एक्स का लेंथ निकालेंगे और हम पता कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास 36 है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स वी हैव 36 एवरीबॉडी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एवरीबॉडी वी हैव 36। चलो आगे बढ़ेंगे और तीसरे वाले में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, कि तीसरा तरीका या है ना, कि मतलब आपको मान लो यार कि आपको अपने मॉड्यूल का नेम देना है ना, आप नहीं चाहते हो कि हम मुझे मैथ डॉट लिखना पड़े, स्टैटिस्टिक्स डॉट लिखना पड़े, जो कि इसको भी ऑलरेडी मैंने बताया है ना, तो वो भी आप नेम दे सकते हो है ना, तो आप इसको बोलोगे क्या रीनेमिंग द मॉड्यूल, ऐसा क्या टाइप, या ऐसा बोलो मॉड्यूल, इसका ये वर्ड यूज करो इसके लिए मॉड्यूल ए एल आई ए एस आई एन जी, मॉड्यूल एलियाजिंग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एलियास का मतलब जानते हो ना, है ना, मतलब कि हम लोग अपने मॉड्यूल का नेम चेंज करेंगे, एलियास का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, कौन बताएगा, श्वेता डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियास, इसको जनरली इसका हिंदी क्या होता, मेरे दिमाग में निकल क्या होता, प्रज्ञा प्रीति सुमित क्या होता है एलियास का मतलब, शार्प, नहीं नहीं वो शार्प नहीं, यहाँ पे एक और होता है ना, आप सिंपली समझो यहाँ पे है ना, अनदर नेम, अनदर नेम फॉर मॉड्यूल है ना, इफ यू वांट टू गिव अनदर नेम फॉर मॉड्यूल यू कैन गिव, दैट इज द मॉड्यूल एलियासिंग, ठीक है एवरीबॉडी, तो इसको दिखाते हैं कैसे कर सकते हो, इफ यू वांट टू गिव द अनदर नेम फॉर योर मॉड्यूल यू कैन गिव इट है ना, कैसे, आइए इंपोर्ट, आसान है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक ही करते हैं, STATISTICS स्टैटिस्टिक, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एच, इसको आरजे नाम से हम कर लेते हैं, आरजे नाम मान लो मुझे अच्छा लगता है, तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एच आरजे मैंने कर लिया। अब मैं स्टैटिस्टिक्स ना लिख करके, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो मैंने आरजे कर लिया, उसका नाम, उस मॉड्यूल का नाम ही चेंज कर दिया है, कोई और नेम रख दी। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आरजे डॉट, और आपको अभी मैंने मीन फंक्शन यूज करके दिखाया था जो कि बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करके देता है, तो मैं देखता हूँ, चलो आप बताओगे इस बार कौन जल्दी बताएगा, देखते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, सो चलो इसका एवरेज क्या होगा बताइए, आपके पास 2 सेकंड है, 66 तो नहीं होगा, बताओ 66 तो नहीं होगा, लगता शॉर्टकट नहीं जानते हो, 67 भी नहीं होगा है ना, इसका आंसर होगा 67.5, सबसे पहला जो सही आंसर आया श्वेता का आया, उसके बाद फिर से सुमित का आया, तो 67.5 होगा, बड़ा आसान तरीका, अगर इवन कंजुक्टिव नंबर हो है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, देखो इवन है तो आप बीच का टर्म उठाओ 67 और 68, एक एक का डिफरेंस है, तो सबसे पहले ये जो 67 है ना इसमें 0.5 ऐड कर दो, 67.5 हो जाएगा, अगर मान लो मेरे पास 3 ही डेटा रहता तो हम बीच वाला उठाते हैं, 67 आंसर हो जाता, ठीक है, एक बार चेक करें, लो देखो 67 आंसर हो जाएगा, या है ना एवरीबॉडी, सो दिस इज द है ना शॉर्टकट टू फाइंड द मीन ऑफ कंजुक्टिव नंबर्स, ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली आज बस हम लोग यहीं पे मीटिंग एंड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं, आज हमने सीखा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, ठीक है,
और हम लोग मॉड्यूल को कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूल का नेम को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे नेम रख सकते हैं, है ना। पो और पो में क्या डिफरेंस होता है, दो टाइप का पो हमने पढ़ा, या वीडियो जरूर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज बस हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि उसमें हम लोग सीखेंगे हम लोग खुद का अपना पैकेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उस चीज को सीखने वाले हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।